यह परिवर्तन तो करना चाहते थे, लेकिन 6000 टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं और लाखों संगठनों में बटे हुए लोग हैं। हर गांव में एक संगठन मिल जाएगा। अब भारत में 7,20,000 गांव है आज की तारीख में। अगर हर गांव में एक दो संगठन मिलते हैं, लाखों संगठनों में हम लोग बटे हुए हैं। जब तक लाखों संगठनों में रहेंगे, हजारों जातियों में बटे रहेंगे, तब तक हमारा परिवर्तन हो नहीं सकता, संगठन शक्ति निर्माण नहीं हो सकती और इस देश के गुलामी से हम मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर इस देश में आरएसएस का भागवत और प्रणब मुखर्जी एक मंच पर आ सकते हैं, दो मनवादी एक मंच पर आ सकते हैं, तो हम भारत के मूल निवासी एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? इनको एक मंच पर लाना है, लाखों संगठनों को संगठित करना है, कठिन काम है, समय लगाने वाला काम है और लोगों के बीच में जाने वाला काम है, समझाने का काम है। इसलिए कोई इस काम को करना नहीं चाहता। हमने सोचा, हमने आगे किसी और को कहा कि भाई साहब आप ये काम करो, तो अगला सवाल पूछेंगे आप क्यों नहीं करते हो। वो हमें ही सवाल पूछेंगे, आप क्यों नहीं करते हो, आप हमें कह रहे हो। तो हमने सोचा काम की शुरुआत ही हम लोग करते हैं, हम ही शुरुआत करते हैं। 3 साल में कम से कम 5,00,000 संगठन इस बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से संगठित हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म कर लेंगे। इतना बड़ा विशाल अभियान हम लोगों ने चला रखा है। मैं कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूं। हम लोग चाहत बहुत करते हैं, अपेक्षा बहुत करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, कैसे होगा इसका बिल्कुल चिंतन नहीं करते। होना चाहिए, कैसे होगा इसका बिल्कुल हम लोग कोई प्लान या उसका रूपकोज हमारे पास नहीं है। अब बाद में कैसे होगा इसका रूप को जो बिल्कुल हम तय नहीं करते हैं और हम लोग अपेक्षा करते हैं होना चाहिए। साथियों, जो जरूरी बात है, जब तक नहीं समझोगे आप इस देश में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको एक सूत्र बता रहा हूं जो जीवन भर याद रखना। 1/15 का सर्कल है मनुवादियों का और 1/85 का सर्कल है। 1/15 का सर्कल है, 1/85 का सर्कल है। अगर 15 वाले आपके बीच में आते हैं, याद रखना आपके आपका इस्तेमाल हो जाएगा, साजिश और षड्यंत्र के तहत आएंगे, चेहरे बदलते रहेंगे। कभी सतीश मिश्रा का चेहरा होगा, कभी कन्हैया का चेहरा होगा, कभी केजरीवाल का चेहरा होगा, कभी लोहिया का चेहरा होगा, कभी गांधी का चेहरा होगा। चेहरे बदलते जाएंगे, भविष्य में भी बदलते जाएंगे। 15 वाला आपके बीच में आता है नेतृत्व करना, याद रखना धोखा होने वाला है। और 85 वाला अगर 15 की बोली बोल रहा है, समझ जाना दलाली और भरेगिरी के अलावा कुछ भी नहीं है। तय कर लो अभी, 1/15, 1/85 बीच में मत खड़े रहो। लड़ाई लड़नी है तो तय करो, 85 की लड़ाई लड़ेंगे और नेतृत्व हम 15 वालों का स्वीकार करेंगे। ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम लोग ये करेंगे, हमारा इस्तेमाल के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये। इसीलिए हमें अपना इतिहास जानने की बहुत जरूरी है और ओबीसी को ज्यादा जरूरी है। ओबीसी को ज्यादा इतिहास जानने की जरूरत है। मैं कहता हूं, जो वर्तमान में ओबीसी वर्ग है, वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण को अपना मसीहा मानता है। अरे 1848 में इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया, तब गांधी पैदा भी नहीं हुए थे, 31 साल के बाद पैदा हुआ है।
1869 में पैदा हुआ है। और मैं तो मेरे मन पर हमारे भाषणों पर कहता हूं हमारा राष्ट्रपिता कोई हो सकता है तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ही हो सकता है। डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, और भारत के संविधान में कहीं भी आर्टिकल में गांधी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया, इसलिए हमें कुछ राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन बंदरा वालों को कहता हूं तुम तुम्हारे बाप को बाप मानो, हमें ऐतराज नहीं है, हम हमारे बाप को बाप मानेंगे, तुम्हारे क्या ऐतराज है? तुम तुम्हारे बाप को बाप मानो, हमें ऐतराज नहीं है, हम हमारे बाप को बाप मानेंगे, तुम्हें क्या ऐतराज है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले आंदोलन चला रहे थे तब गांधी पैदा नहीं हुए थे, 31 साल के बाद पैदा हुए हैं। और 1902 में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण का अधिकार दिया तब लोहिया पैदा भी नहीं हुए थे, 1910 में लोहिया पैदा हुए हैं, 8 साल के बाद पैदा हुए। हमारे ओबीसी के मसीहा जब हमको अधिकार दे चुके तब 8 साल के बाद लोहिया जी का जन्म है। इतिहास अगर सही तरीके से इतिहास का मूल्यांकन नहीं करोगे जीवन के अंत में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, जीवन के अंत में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हमें हमारे महापुरुषों को पहचानना चाहिए, हमारे हमारे महापुरुषों का इतिहास जानना चाहिए। अगर ये नहीं जानोगे धोखा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब ज्योतिराव फूले ने आंदोलन शुरू किया वो आंदोलन आजादी का आंदोलन था, और उन्होंने कहा था जब तक भारत में अंग्रेज है तब तक शूद्र अति शूद्र लोग जल्दी से इकट्ठा होकर ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। आजादी का आंदोलन था, 1848 का आंदोलन आजादी का आंदोलन था, और उसको दबाने के लिए 1857 का आंदोलन शुरू कर दिया गया। हमारी आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए 1857 का आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 1873 में जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया, सत्य के आधार पर समाज की रचना होनी चाहिए, तो 1875 में आर्य समाज के नाम पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके पुरखों का आंदोलन काउंटर किया। 1882 में अंतर कमीशन के सामने ज्योतिराव फूले जब आरक्षण की बात कर रहे थे तब 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है, आपके महापुरुषों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस पैदा हो गई। अगर आप इतिहास को नहीं जानते हो और परिवर्तन करना चाहते हो संभव नहीं है, संभव नहीं है, भूल भुलैया है बहुत सारी। हम लोग क्या सोच रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों का एनालिसिस करके आगे निकलना चाहते हैं जो होगा नहीं। हजारों साल जिन मनुवादियों ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, हजारों साल जिन मनुवादियों ने हमें मनुसंहति के आधार पर पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा, उन लोगों से अपेक्षा करते हो कि वो आपकी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे क्या? वो लड़ने वाले नहीं है। उन्होंने संविधान के सिंगल लाइन पर अमल नहीं किया। संविधान के पहले लाइन में लिखा है हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ क्या? समानता आ गई क्या? असमानता खत्म हो गई क्या? अन्याय खत्म हो गया क्या? अत्याचार खत्म हो गया क्या? शोषण खत्म हो गया क्या? जातिवाद खत्म हो गया क्या? अरे जिस देश में राष्ट्रपति का जाति के नाम पर अपमान होता हो इससे बड़ा कोई जातिवाद का सबूत चाहिए आपको? राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है जाति के नाम पर, इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए? 70 साल में संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं किया, और जो अधिकार मिले थे वर्तमान यूएसएन लोग कहते हैं कि अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों ने जो अधिकार दिए उन लोगों ने यह भी छीन लिया। हजारों साल बाद अंग्रेजों ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। 1813 लॉर्ड मेकाली एजुकेशन सिस्टम अगर वो लागू नहीं होता तो 1827 में ज्योतिराव फूले जी का जन्म है। ज्योतिराव फूले जी नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब अंबेडकर सेकंड पीढ़ी के थे, हमारा नंबर भी नहीं आता था,
हमारा नंबर भी नहीं आता था। 6 अक्टूबर 1860 इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार दिया अंग्रेजों ने, समानता का अधिकार अंग्रेजों ने दिया कि कानून के सामने कोई उच्च वर्ण नहीं है, कोई निम्न वर्ण का नहीं है। अंग्रेजों ने जाति जनगणना 1881 में शुरू की थी कि भारत में कौन सी जाति कितनी संख्या की है, उसको इतना हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के समय वोट का अधिकार मिला और आरक्षण का अधिकार भी अंग्रेजों के समय मिला। वो अधिकार वर्तमान में सारे छीने जा रहे हैं, खत्म हो रहे वो अधिकार, कर रहे खत्म। अभी यादव जी ने बताया लोकतंत्र की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आरक्षण से बड़ा लोकतंत्र है, मैं मानता हूं। इस लोकतंत्र के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बात कही है, 28 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने बात कही, पंजाब के जालंधर जिले में डीएवी कॉलेज में बाबा साहब अंबेडकर ने स्पीच किया है, भाषण किया है। उस भाषण का विषय था भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा, इस देश के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। इस बात पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं 28 अक्टूबर 1951, और उन्होंने विचार व्यक्त करते उन्होंने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो दो पूर्व शर्त है। नंबर एक, मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए। नंबर दो, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। अगर ये दो नहीं होगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वर्तमान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। 9007 जिन मनुवादियों ने राज किया, तथाकथित आजाद भारत में विरोध पक्ष पैदा करने नहीं दिया, आज भी विरोध पक्ष पैदा करने नहीं दिया और निष्पक्ष चुनाव करने नहीं दिया, निष्पक्ष चुनाव करने नहीं दिया। समय था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब मुस्लिम लीग विरोध पक्ष में थी, मुस्लिम लीग विरोध पक्ष में थी, 33.5% रिजर्वेशन था मुस्लिमों को और 22.5% SC/ST को, कितना हो गया 56, अगर ओबीसी उसमें मिला दो तो हजारों साल उनका वर्चस्व खत्म हो जाता। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया और बदनाम केवल भारत के मुसलमानों को किया कि इन्होंने देश को तोड़ा, इन्होंने देश को तोड़ा, इन्होंने दो टुकड़े किए। मैं तो हमेशा कहता हूं इस देश को मनुवादियों ने 11 बार तोड़ा है, 11 बार इस देश के टुकड़े किए हैं। जाओ इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो। सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, जो मुस्लिम आबादी, मुसलमानों का आधार इस्लाम, इस्लाम का आधार मसावाद समानता और मनुवादियों का आधार असमानता। इधर आ जाओ तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल को अलग कर दिया, श्रीलंका को अलग कर दिया, थाईलैंड को अलग कर दिया, बर्मा को अलग कर दिया, इंडोनेशिया को अलग कर दिया, भूटान को अलग कर दिया। क्यों? बुद्धिस्टों की विचारधारा समानता की और उनकी विचारधारा असमानता की, अपनी असमानता के विचारों को, व्यवस्था को बचाने के लिए 11 बार भारत के टुकड़े हुए हैं, 11 बार भारत के टुकड़े हुए हैं उन लोगों ने किया। भारत पाकिस्तान अलग हुआ प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। बांग्लादेश अलग हुआ कौन था? इंदिरा गांधी। मेरे पास तो एविडेंस के साथ है। इसलिए वो लोग यूनिवर्सिटियों में केवल 1200 साल का इतिहास पढ़ाते हैं, मुगलों के आने के बाद का इतिहास पढ़ाते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद का इतिहास पढ़ाते हैं। अरे जब मुगल
मुसलमान नहीं आया था भारत में, और जब अंग्रेज नहीं आया था तो मुगल मुसलमान भारत में नहीं आया। उससे पहले हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटियां थी, वो हमारा अभ्यासक्रम वो सिलेबस कहां गया? कहां गया वो सिलेबस? क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्यों 6000 जाति की सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं पढ़ाते हो? केवल 1200 साल का इतिहास पढ़ाया जाता है। विरोध अपने मुस्लिम लीग थी, भेज दिया पाकिस्तान। उसके बाद विरोध पक्ष में सुभाष चंद्र बोस थे, पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, उनकी पार्टी नहीं उनको ही रास्ते से हटा दिया, पार्टी नहीं रास्ते से उनको ही हटा दिया। और उसके बाद विरोध पक्ष में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, आदिवासियों को अधिकार दिया, ओबीसी के लिए भी इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 1951 को, और 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ बनती है। कहीं ओबीसी के लोग बाबा साहब अंबेडकर के साथ खड़े न हो जाए, मतलब कांग्रेस भी उन्हीं की और जनसंघ भी उन्हीं का, 3.5% वाले की कांग्रेस भी और जनसंघ भी, विरोध पक्ष कहां है? कहां है विरोध पक्ष? और उस कांग्रेस ने आरएसएस बनाया और आरएसएस ने बीजेपी बनाया। हमारे लोग सोच रहे हैं नहीं कांग्रेस ठीक है, अरे कांग्रेस ने आरएसएस बनाया, आरएसएस ने बीजेपी बनाया है, आपको अलग अलग दिख रहा है नहीं? आरएसएस का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के, दोनों वही के वही है, पार्ट में विरोध पक्ष है नहीं। 1952 के इलेक्शन में, उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गए। 52 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी का मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा। उसके बाद कालेकर कमीशन आता है, कालेकर नहीं हो 340 नहीं होता तो कालेकर नहीं आता, कालेकर नहीं आता तो मंडल कमीशन नहीं आता, मंडल नहीं होता तो ईपी सिंह कहां से आते? अगर संविधान में प्रावधान नहीं हो, और इमरजेंसी लागू हो गई, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद मोरारजी देसाई, वो भी वही, बाद में मोरारजी देसाई की सरकार गई है, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था, पूरा दिन घर में वो बच्चा फेल कैसे हो गया, क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, चलो बच्चों को ट्यूशन लगाओ, और मास्टर के पास जाते थे कि मास्टर जी 2 साल हो गया हमारा बच्चा अभी तक कुछ लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, कैसे पढ़ाई कराते हो आप? ऐसा मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अब अगर परीक्षा के बच्चे पास हो रहे हैं तो मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश, और 9वीं और 10वीं में आने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हमारे गांव देहात के लोग बोल रहे बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखी होगी, चल काम पे लग जा, तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। आपको पूछना चाहता हो, अगर आज बच्चे को डॉक्टर बनाना हो तो कितना खर्च लगता है? 1 करोड़। अगर इंजीनियर बनाना हो तो 25 से 50 लाख। अब हमारे समाज के पास 1 करोड़ रुपया है क्या? हमारे समाज के पास 50 लाख रुपया है क्या? अरे अभी खत्म कर रहे हैं आपका एजुकेशन, और एजुकेशन खत्म क्यों कर रहे हैं इसका भी कारण बता रहा हूं। अगर 3.5% लोग 100% एजुकेटेड हो जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की संख्या है तो 3.5 करोड़ ही होगा ना 100%, और आप लोग 100% होते हो तो 85 करोड़, अगर आप 50% होते हो तो 42.5 करोड़, अगर 25% आप लोग होते हो 21.25 करोड़, अगर 10% होते हो 85 का 10 8.5 करोड़, अगर 5% होते हो 4.25 करोड़, उनका 100% और हमारा 5% भी अगर लागू हो गया तब भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए 100% एजुकेशन समाप्त कर रहे हैं।
मनोज समृद्धि में अधिकार नहीं था एजुकेशन का, आप एजुकेशन समाप्त कर रहे हैं। नंबर दो, जो डिग्रियां थी तो नौकरियां मिल रही थी, आरक्षण था, अब आरक्षण समाप्त हो गया, कंपनी को ठेके पर दे रहे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों को ठेके पर दिया जा रहा है। टाटा बिरला अंबानी को अगर दे दिया जाए रेलवे डिपार्टमेंट, तो आपका आरक्षण रहने वाला है क्या? मिलने के लिए 108 साल लगा था, छीनने के लिए 5 मिनट लगती है। जो कंपनियां विदेश से आ रही है वो वहां डायवर्सिटी के तहत 27% रिजर्वेशन दे रही है, उन कंपनियों को यहां देने में दिक्कत नहीं थी। शासक जाति के लोगों ने कोई कानून नहीं बनाया, मनुवादियों ने कोई कानून नहीं बनाया हमारे बच्चों को बचाने के लिए। जब उनको खतरा पैदा हो गया, ये इनके सामने मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे, तो कानून बनाया, भारत में आना होगा तो कोलैबोरेशन करना होगा स्थानीय कंपनियों से। पंजाब की हीरो साइकिल और जापान की होंडा कंपनी हीरो होंडा बन गई, साइकिल कंपनी का मालिक मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक बन गया। यहां की टाटा वहां की सुमो, टाटा सुमो बन गई। यहां की बजाज वहां की सुमो, बजाज वहां की सुजुकी, बजाज सुजुकी बन गई। यहां की मारुति वहां की सुजुकी, मारुति सुजुकी बन गई। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रावधान किया, हमारे बच्चों के लिए प्रावधान नहीं किया। एजुकेशन खत्म, नौकरियां खत्म, अब जमीनें थोड़ी बहुत बची थी तो छीनने का काम शुरू कर दिया कि जमीन होगी तो फिर पढ़ाएंगे ना, तो जमीन छीनने का काम शुरू कर दिया। लाभ टाटा बिरला अंबानी अडानी को 1 रुपये मीटर में, आदिवासी नहीं देना चाहते तो बोलते नक्सलाइट हो तुम। अरे देश की सरकारों ने पहले बजट में 13% कृषि के ऊपर था, 70 साल में 13 का 26 नहीं हुआ, 1% हो गया। क्यों? किसान भूखे मरेगा तब तो जमीन बेचेगा ना, किसान भूखे मरेगा तब जमीन बेचेगा ना। वो कांग्रेस के समय किसान आत्महत्या करे थे, बीजेपी के समय भी किसान आत्महत्या करे, कोई नई बात तो है नहीं। जमीनें छीनने का काम शुरू हो गया, अरबों खरबों रुपए की जमीन उद्योगपतियों को दे रहे हैं, मुफ्त के भाव में दे रहे हैं, और फिर चुनावी चंदा वसूल करते हैं, चुनावी चंदा वसूल करते हैं, और उन पैसे से आपके वोट खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे यहां मालूम नहीं है, बढ़िया से बढ़िया भैंस लेना हो तो कितनी कीमत होगी? 70-80 हजार, 2 लाख या 70-80 हजार, मतलब 1-8 लाख तो कंफर्म है, बीच का रास्ता। अगर बढ़िया 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 गाय लेनी हो तो 40-50 हजार, अगर बकरी लेनी हो तो 10-15 हजार। आजकल मार्केट में कुत्ते बिकते मालूम है, बड़े बड़े घरों में कुत्ते पालते हैं ना, तो कुत्तों की कीमत कितनी होगी? मिनिमम 2,000-5,000 तो होगी। मतलब 5,000 से लेकर लाखों में जाएगी। भैंस की कीमत 1 लाख, गाय की कीमत 50,000, बकरी की कीमत 10-15 हजार, कुत्ते की कीमत कम से कम 5,000, और हमारे लोग भी चुनाव में कितनी कीमत होती है? कितना? पौआ पौआ पौए से भी नीचे बीड़ी बंडल, पौआ। और पौए की कीमत कितनी है राजस्थान में? 1 मत बताओ, जो पीने वाला वही बताए भाई। ₹35, तो 5 साल का ₹35, तो साल भर का हो गया ₹7, 12 महीने का, चलो महीने का ₹1 भी नहीं आता, महीने का ₹1 भी नहीं।
जिस देश के नागरिक अगर एक रुपये में 7 रुपये में अपना वोट बेचते हो, 35 रुपये में वोट बेचते हो, पवे के पवे में वोट बेचते हो, बीड़ी के मंडल में वोट बेचते हो, मुर्गे के भाव में वोट बेचते हो, उस देश में लोकतंत्र जिंदा रह सकता है क्या? उस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा क्या? क्या हाल बना दिया हमारे लोगों का, जानवर से भी हम लोग नीचे निम्न कक्षा पर पहुंच गए, ये हाल बना लिया उन लोगों ने। अब वोटों की चोरी हो रही है। जब माननीय कांशीराम साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो उन्होंने ईवीएम मशीन लाया, वोटिंग मशीन लाया। पहले बैलेट पेपर होता था तो आप निशान देखकर मतपत्रक में बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर में निशान पर ठप्पा मारते थे और कागज को आप बैलेट बॉक्स में डालते थे, तो आपको यकीन और विश्वास होता था कि जिसको वोट देना था उसको दिया है। आजकल बटन दबाते हो आपको पता चलता है आपका वोट कहां चला गया, पता ही नहीं चलता वोट कहां चला गया। इन वोटिंग मशीनों को दुनिया के बड़े बड़े देशों ने पाबंदी लगा दी, अमेरिका ने पाबंदी लगा दिया, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, यूक्रेन में, कैलिफोर्निया में, इटली में, तुर्की में, पाकिस्तान में भी नहीं है। बजरंग दल वाले और बीजेपी वाले क्या बोल रहे मालूम है? 30 देशों में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं 120 देशों में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 120 देशों में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? इधर भी होना चाहिए। आपके वोटों की चोरी हो रही है। 8 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर मशीनों से चुनाव करवाना चाहते हो तो वीवीपैट लगाना होगा, पर्ची निकलना चाहिए, जो बटन दबाते हो निशान का वो पर्ची छपकर आनी चाहिए, प्रिंटर की तरह बॉक्स में जाना चाहिए, उसका काउंटिंग होना चाहिए। 2014 का चुनाव बगैर पर्ची के हो गया, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, गुजरात का, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता, यहां तक पहुंच चुकी बात। आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप 10 संगठन बना लो, 20 बना लो, 50 पार्टियों को इकट्ठा कर लो, महागठबंधन बना लो, बीजेपी के पास ईवीएम है, आप नहीं हरवा सकते हो, नहीं हरवा सकते। आपके वोटों की चोरी हो रही है। आसान तरीका है चोरी करने का, मैं बताना चाहता हूं। यहां पढ़े लिखे लोग है, आजकल मोबाइल सबके पास आ गया है, अगर आपने अपने मोबाइल में अगर कॉल डायवर्ट पर नंबर रखा किसी का, वो आदमी कितनी बार भी कॉल करेगा कॉल कहां जाएगा? जिसके कॉल डायवर्ट रखा है, बार बार नंबर आपका भी जा रहा है आंखों के सामने, आंकड़े आपके हैं, उसका नंबर उसके पास है नहीं, फिर भी पहुंच जाता है ना। 10 बार नंबर लगाएगा तब भी उधर जाएगा, 100 बार लगाएगा तब भी उधर जाएगा, 200 बार लगाएगा उस नंबर को तब भी उधर जाएगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। आपका कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो आपका वोट डाइवर्ट नहीं हो सकता क्या? आपका कॉल डाइवर्ट हो सकता है, आपका वोट भी डाइवर्ट हो सकता है। नोटबंदी के बाद 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर दिया था। आपके बैंक में कितना भी पैसा हो 2400 से ज्यादा नहीं निकलेगा सप्ताह में, फिर 4,000 किया। आप एटीएम कार्ड दिल्ली लेके जाओ चाहे बॉम्बे लेके जाओ, हुआ था नहीं हुआ था? अरे एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीन फिक्स कर सकते हैं, एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीन फिक्स कर सकते हैं, नोट कितना निकलेगा ये फिक्स कर सकते हैं। तो ईवीएम में से कौन सी पार्टी को वोट कितना निकलेगा ये फिक्स नहीं कर सकते क्या?
लाख 17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर दिया। मुझे मीडिया वालों ने पूछा, भाई साहब क्या चाहते हो आप? तो मैंने कहा बैलेट पेपर। तो बोला आपको मालूम है देश की संख्या कितनी है? तो मैंने कहा आगे बोलो। मालूम है। बोला बैलेट में कागज कितना लगेगा, पेड़ पौधे काटना पड़ेगा, पर्यावरण का ध्यान करना चाहिए ना, पर्यावरण का ध्यान करना चाहिए ना। तो मैंने कहा 5 साल में जितना बैलेट में कागज नहीं लगेगा इतना आपके डेली अखबारों में लगता है, आप सारे अखबार बंद कर दो, पर्यावरण का आप भी ध्यान करो। केवल मुझे बता रहे हो, आप भी ध्यान करो। तो बोला क्या 18-20 दिन हम लोग पहले गिनते रहे क्या, टाइम वेस्ट नहीं जाता? तो मैंने कहा नोट गिनने की मशीन बना लिया, बैलेट पेपर साइज की मशीन बना लो, जब नोट गिन सकते हो तो वोट भी गिन सकते हो, क्या दिक्कत है, कहां टाइम बर्बाद होगा। बोला दुनिया चांद पर जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, आप देश को पीछे धकेल रहे हो। तो मैंने कहा आप चांद पर पहुंचे नहीं हो, अमेरिका 1962 में पहुंच गया नील आर्मस्ट्रांग। जो लोग चांद पर आज से 60 साल पहले पहुंच गए वहां भी बैलेट पेपर है, और बोलो। तो बोला आपका इंटरव्यू नहीं लेना है। तो मैंने कहा लेने के बाद छापने की औकात है क्या तुम्हारी? लेने के बाद इंटरव्यू छापने की औकात भी है क्या? आपके वोटों की चोरी हो रही है, मनोसमृति लागू हो चुकी, एजुकेशन खत्म, संपत्ति रखने का अधिकार खत्म, नौकरियां और जमीनें खत्म, और वोट शस्त्र का हथियार था, मनोसमृति में शस्त्र पर पाबंदी थी, आज वोट शस्त्र है, किसको हरवाना किसको जीतवाना खत्म हो गया। आप पुरानी मनोसमृति की बात कर रहे हो, मैं आधुनिक मनोसमृति की बात कर रहा हूं, खत्म कर दिया उन लोगों ने। और उन बातों पर हमारा ध्यान न जाए इसलिए बड़े बड़े जुमले दिए जाते हैं।